हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्टशाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका गला बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना गला बनाएंगे। इसमें मैंने ये फंदे उठा लिए थे। इसमें मैंने टोटल फंदे अपने उठाए हैं, 86 फंदे मेरे इसमें टोटल हैं। 27 27 मेरे फ्रंट साइड के फंदे हैं, 28 फंदे बैक साइड में थे, 4 फंदे हमने उसमें बढ़ाए हैं, तो इनको प्लस करके मेरे 86 फंदे इसमें टोटल है। तो अब हम इसमें आगे बनाएंगे। देखिए, एक फंदा हम पहला फंदा अपना ये उल्टा बनाएंगे। ये फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से बनाते हुए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई निकाल लेते हैं सीधा उल्टा फंदा बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मैंने अपनी पूरी निकाल ली है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए। लास्ट में मेरा यहाँ पर सीधा फंदा आया है। यहीं से हम सिलाई को वापसी करेंगे। यहीं से सिलाई को वापसी करते हुए जो हमने अपने ये पट्टी के फंदे छोड़े थे, हमने यहाँ पर बंद कर दिए थे 6 फंदे, देखिए ये पट्टी के जो, अब हम इसमें से एक एक फंदा करके अपना फंदा बढ़ाएंगे। जो हमारा ये पहले वाला फंदा है, इधर के 5 फंदों को छोड़कर जो छठा फंदा है, यहाँ से हम ऐसे सिलाई डालते हुए एक फंदा अपना यहाँ से बढ़ा लेंगे इस तरीके से। देखिए, एक फंदा हमारा इधर आ गया, तो इसमें बटा आ जाता है, तो उसको हम खोल देंगे। अब इस फंदे को हम अपने इस सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। अब ये फंदा मेरा सीधा बनेगा, ये फंदा उल्टा बनेगा इधर से, क्योंकि इधर से हमारा ये वाला फंदा उल्टी साइड से सीधा बना था, तो इधर से उल्टा बनेगा। पहला फंदा हम अपना सीधा बना लेंगे, ये देखिए आगे वाला फंदा उल्टा बनेगा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। ये देखिए, हमारा फंदा यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है इसमें। तो अब हम ये सिलाई अपनी पूरी इसी तरीके से बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए। देखिए, तो हम अपनी ये सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये सिलाई निकाल ली है। मैंने ये फंदे 2 सिलाई में कर लिए हैं, क्योंकि हमारी ये टाइट हो गए थे फंदे, इसलिए मैंने आधे फंदे इस सिलाई में और आधे फंदे इस सिलाई में कर लिए हैं। अब देखिए, इस सिलाई की लास्ट में भी हम सीधी सिलाई है, लास्ट में भी यहाँ पर भी हम एक फंदा अपना यहाँ से उठाएंगे। ये हमारा छठा फंदा है, इधर से, इधर की साइड से देखिए, ये हमारा पहला फंदा जो है, लास्ट का फंदा सीधा है इधर, तो हम धागे को आगे करेंगे और इधर से इस फंदे को हम अपने उल्टा उठा लेंगे, उल्टा बनाएंगे इधर से इस तरीके से। तो देखिए, इधर से भी हमारा एक फंदा इधर ज्वाइन हो गया है। अब यहीं से हम सिलाई को मोड़ेंगे, तो जो हमारे इस सिलाई के फंदे हैं, पहले हम इन फंदों को बनाएंगे। इधर से हमारा ये फंदा उल्टा है, इधर से हम अपने इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए, ये फंदा सीधा बनाया, धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए इस तरीके से, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे वाला हम अपना ये बॉर्डर बना रहे हैं गले में। तो इसी तरीके से देखिए, हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए। इस सिलाई के फंदे हमने अपने बुन लिए हैं, अब हम इस सिलाई के फंदे बुनेंगे। तो इस फंदों को ऐसे पीछे करते हुए, जो हमारी सिलाई खाली हुई है फंदों से, अब हम अपने इस सिलाई में ये फंदे बुनेंगे। सीधा फंदा है इधर से, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम अपने ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जो फंदा हमारा सीधा है उस पर सीधा, जो उल्टा है उस पर उल्टा। देखिए, इसी तरीके से बनाते हुए ये सिलाई भी हम अपनी इधर वाली कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई भी हमने अपने निकाल ली है। इस सिलाई के लास्ट में मेरा उल्टा फंदा बना है, ये मैंने सीधा बनाया, ये उल्टा। अब हम धागा पीछे करेंगे, अब इधर की साइड से हम अपना एक फंदा बनाएंगे। इधर से जो हमारा 5वां फंदा है, इसके अंदर से सिलाई को डालेंगे और एक फंदा हम अपना सीधा बना लेंगे। सीधा फंदा बनाया, अब इस फंदे को हम अपने इस सिलाई में डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा फंदा यहाँ से ज्वाइन हो गया इस सिलाई में। अब यहीं से हम सिलाई को वापसी मोड़ते हुए अपनी ये सिलाई बुनेंगे। ये फंदा इधर से हमने सीधा बुना है, तो इधर से हम इसको उल्टा बुनेंगे।
धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा। अब हमारी पूरी सिलाई इसी तरीके से निकलेगी, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए। देखिए इस तरीके से सीधा फंदा बुनते हम फंदा धागा पीछे करते हैं और उल्टा फंदा बुनते हुए धागा आगे करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ये वाली सिलाई भी और इधर वाली सिलाई भी। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी सिलाई हमने पूरी निकाल ली है, दोनों सिलाई में आधे फंदे इस सिलाई में आधे फंदे इस सिलाई में। अब हम लास्ट में हैं तो अब इधर से हम अपना एक फंदा उठाएंगे। ये हमारा देखिए छठे फंदे पर यहाँ से उठाया था, ये पाँचवा फंदा है, पाँचवें फंदे के अंदर से एक फंदा हम अपना इस तरीके से बना देंगे। अब हम अपनी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे। तो देखिए इधर से मेरा ये उल्टा फंदा ये था, अब ये मेरा सीधा फंदा है। तो उल्टी साइड से इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए दोनों सिलाई के फंदे हम अपने इसी तरीके से बना लेंगे। पूरी सिलाई हमने अपनी दोनों सिलाई के फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ से हम अपना एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए ये हमने पांचवें फंदे में से बनाया था, अब ये हमारा चौथा फंदा है। इस फंदे में से हम ये हमारा सीधा है, आगे धागा करेंगे, इस तरीके से हम अपना एक उल्टा फंदा बना लेंगे इस फंदे में से। देखिए यहाँ से एक फंदा हमने ऐसे उल्टा बनाया। अब यहीं से हम सिलाई को वापसी मोड़ेंगे। तो वापसी मोड़ते हुए पहला फंदा हमारा ये सीधा बनेगा, इधर से हमने उल्टा बनाया है तो इधर से हमारा ये फंदा सीधा बनेगा। और अब एक फंदा आगे वाला हमारा उल्टा है, फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए ये सिलाई भी हम अपनी कंप्लीट करेंगे, दोनों सिलाई के फंदे हम अपने बना लेंगे। ये सिलाई भी हमने अपनी पूरी बना ली है। अब हम अपना इधर से फंदा उठाएंगे। तो देखिए ये हमारा फंदा है, यहाँ से उठाया था, अब इस सिलाई में से एक फंदा ऐसे लेंगे। तो पहले हमारा ये सीधा फंदा है, उल्टा फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम पीछे से सिलाई को डालेंगे, हम इसी सिलाई में बढ़ा लेंगे, आगे धागा लेकर आएंगे और यहाँ से फंदा हम इस तरीके से अपना एक फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये फंदा हमने अपना बना लिया। अब यहीं से हम सिलाई को वापसी मोड़ेंगे और अपनी पूरी सिलाई आगे की निकालेंगे। अब ये फंदा इधर से हमारा सीधा बनेगा, क्योंकि उधर से हमने अपना ये फंदा उल्टा उठाया है, ये हमने सीधा बनाया, फिर आगे वाला फंदा हमारा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा। देखिए फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा। अब इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी बना ली है। अब इधर से हम अपना फंदा उठाएंगे, ये फंदा मैंने उल्टा बनाया है, तो इधर से यहाँ से हम एक फंदा लेंगे। देखिए इस तरीके से धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम अपना इसी सिलाई से उठाएंगे, इस सिलाई से। देखिए यहाँ से उठाया था, इससे आगे वाले फंदे में से एक फंदा ऐसे सीधा। अब हम अपना इस फंदे को बनाएंगे, ये हमारा सीधा फंदा है, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। उधर से हमने ये सीधा फंदा उठाया है, इस फंदे को देखिए हमने ऐसे उल्टा बनाया और इससे आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा। देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स ये सिलाई भी हम अपनी निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी बना ली है। अब हम अपना इधर से फंदा उठाएंगे, एक ये फंदा पहला मैंने उल्टा बनाया है, अब हम सीधा फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से फंदा लेंगे एक और ये हमने अपना एक फंदा बना लिया है। देखिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से अब हमारे ये फंदे चार फंदे हमारे इधर से बढ़ गए हैं, एक दो तीन चार, और चार फंदे हमारे इधर से। जितने फंदे हमने पट्टी के घटाए थे उतने ही फंदे हम अपने ये उठाएंगे।
तो अब देखिए हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। इधर से हमने सीधा फंदा उठाया तो इधर से हम इस फंदे को उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरीके से ये सिलाई भी हम अपनी पूरी निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी निकाल ली है। अब हम अपना इधर की साइड से फंदा उठाएंगे, ये फंदा सीधा है, एक फंदा धागा आगे करेंगे तो ये हम ये इस साइड से अपना इस फंदे को ऐसे उठा लेंगे। इस तरीके से हमने ये फंदा अपना उठा लिया है। अब इधर से सिलाई को मोड़ते हुए अब हम अपने इस फंदे को बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इस फंदे को, उधर से उल्टा बनाया है तो ये हमने सीधा बुना। अब इससे आगे वाली सिलाई हम अपनी निकाल लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए तो हम अपनी ये सिलाई निकाल लेते हैं। ये सिलाई भी हमने अपनी निकाल दी है। पांच फंदे हमारे हमने उठा लिए हैं। ये फंदा देखिए मेरा इसी सिलाई का था, 1 2 3 4 5, ये देखिए हमारे इधर से हमारे चार फंदे उठ गए हैं, 1 2 3 4। तो एक फंदा और हम अपना इधर से, ये हमारा सीधा है, आगे धागा करेंगे, ये उल्टा फंदा उठाया तो हमारे ये पांच फंदे इधर से उठ गए हैं और पांच फंदे हमारे इधर से। अब एक एक फंदा और रह जाएगा हमारा लास्ट का। तो अब हम अपनी देखिए इस सिलाई को बनाएंगे। इस सिलाई को बनाने के लिए हम पहला फंदा अपना सीधा बनाएंगे, उधर से हमने उल्टा उठाया था तो अब हम एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो हम अपनी सिलाई को भी इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी निकाल ली है। अब इधर से तो मेरे ये पांच फंदे उठ गए हैं। देखिए अब हम लास्ट का फंदा उठाएंगे, ये फंदा उल्टा है, धागा पीछे करेंगे, ये लास्ट का फंदा जो हमारा यहाँ से लेंगे ये फंदा, और अपना एक फंदा हम ऐसे अपना ये बना लेंगे। छह फंदे इधर से मेरे ये मैंने बना लिए हैं। ये फंदा हमारा इधर वाले फंदों में से है, 1 2 3 4 5 और एक ये छह। अब हम अपनी दूसरी तरफ से पूरी सिलाई निकाल लेंगे सीधी तरफ से। पहला फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से ये सिलाई भी हम अपनी पूरी निकाल लेंगे। ये सिलाई भी मैंने अपनी पूरी बना ली है। अब हमारा इधर से एक फंदा बच गया है, पांच फंदे हमने अपने इधर से उठा लिए हैं। लास्ट का फंदा हम देखें यहाँ से, लास्ट वाले फंदे में से एक फंदा बनाएंगे, इधर उल्टा है तो इधर से हम अपना ये फंदा सीधा बना लेंगे। ये फंदा हमने अपना उठा लिया है। अब हम अपनी सिलाई निकाल लेंगे। इधर से हमने ये सीधा बनाया है तो इसको इधर से हम उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी ये पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी निकाल ली है, देखिए दोनों तरफ की सिलाई के फंदे। अब हम अपने इन फंदों को बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम पहला फंदा देखिए अपना इसी तरीके से ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम अपना सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे, आगे वाला फंदा भी हम अपना सीधा बुनेंगे तो इसके फंदे को भी हम ऊपर से उतारेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, पहला फंदा उस पर से उतार देंगे। इसी तरीके से ये सारे फंदे हम अपने बंद करेंगे, एक एक फंदा सीधा बुनते हुए जाएंगे और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए इस तरीके से ज़्यादा टाइट हाथ से हम इनको बंद नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इनको बुनेंगे और यह ऐसे बंद करते हुए हम अपने सारे फंदे ये बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये फंदे सारे मैंने अपने बंद कर दिए हैं। हम लास्ट में हैं, लास्ट में अब मेरे इधर दो फंदे बचे हैं। तो इधर से हम अपनी शेप को ऐसे बनाने के लिए इन दो फंदों का एक करेंगे। ये दो फंदे लिए हमने, दो फंदों का यहाँ पर हमने एक किया और पहला फंदा जो हमारा है वो हम इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये शेप बहुत अच्छी आएगी। अब हम यहाँ पर एक फंदा हमारा इसमें बचा है तो हम धागा कट करेंगे। यहाँ से हमने धागा कट किया तो ये जो हमारा एक फंदा बचा है इसके अंदर से हम इस धागे को निकालते हुए ये फंदा भी अपना यहाँ पर बंद कर देंगे। तो देखिए ऐसे हमारा इधर की साइड से ये बना है। अब इस धागे को हम अंदर की साइड पक्का करेंगे। अब हमने ये सुई में धागा डाल लिया है तो देखिए जो हमारा ये पहला फंदा है इसके अंदर से हम इस धागे को ऐसे इधर की साइड लेकर आएंगे। फिर हम इससे आगे वाले फंदे में से एक बार ऐसे निकालेंगे, इस धागे को यहाँ पर हम पक्का करेंगे।
ऐसे एक बार हमने यहाँ पर ये पक्का किया है। अब इस धागे को हम इसी फली के अंदर से आगे लेकर जाएंगे, जो हमारा ये इधर का पार्ट है बैक साइड में, उल्टी साइड कर रहे हैं हम ये। तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे ले जाते हुए यहाँ पर हम इसको अब पक्का कर देंगे। देखिए एक बार और करेंगे, इस धागे के अंदर से ये यहाँ पर हमारा पक्का हो गया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट देंगे यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये गला बनकर बिल्कुल तैयार है। ये गला फ्रेंड्स मैंने थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि मुझे छोटा गला बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो हमने ये कटाई की है यहाँ से ये सिलाई निकाली है, नीचे हमने 8 सिलाई निकाली थी, आप वहाँ पर कम कर सकते हैं, 4 सिलाई निकाल सकते हैं, 6 सिलाई निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप मोटे की लंबाई ज़्यादा बनाते हुए ज़्यादा सिलाई आप अपनी इसकी में निकाल सकते हैं। अब देखिए गला हमारा बन चुका है, अब हम इसके मोड़े बनाएंगे। तो मोड़े के लिए देखिए हम यहाँ से जहाँ से हमने ये फंदे घटाए थे अपने, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे जो हमने यहाँ पर घटाई की थी। तो हम यहाँ से अपने फंदे उठाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने फंदे उठाएंगे। मोड़े भी हम अपने ग्रे कलर से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ से हमने अपनी ये 3 फंदों की घटाई की थी, इस फंदे के अंदर से सिलाई को डालते हुए एक फंदा हम अपनी तरफ ऐसे बनाएंगे। ये बनाया हमने फंदा, अब हम यहीं से दूसरे फंदे में से भी एक फंदा उठा लेंगे। देखिए फिर तीसरे फंदे में से, फिर इससे आगे वाले फंदे में से। अब देखिए ये हमारा धागा यहाँ पर छोटा रह गया, अब इस धागे को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम आगे अपने फंदे उठाएंगे, आगे वाले फंदे में से एक फंदा उठाएंगे, फिर उससे आगे वाले फंदे में से, और इस धागे को हम दबाते हुए चलेंगे। फिर आगे वाले में से, तो इसी तरीके से हम ये फंदे उठाते हुए फ्रेंड्स अपने दोनों तरफ के मुर्दे में से फंदे उठा लेंगे, इधर की साइड के भी और इधर की साइड में के भी। एक ही सिलाई में हम अपने ये पूरे फंदे उठाएंगे। तो हम अपने ये फंदे उठा लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने मोड़े के फंदे उठा लिए हैं। इसमें मैंने 45 एक तरफ से, 45 एक तरफ से फंदे उठाए हैं, तो हमारे ये 90 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 45 मैंने एक साइड से, 45 एक साइड से, तो फंदे उठाकर मेरे टोटल फंदे ये 90 फंदे इसमें मेरे हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स फंदे उठाने के बाद अब हम इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम अपना ये बनाएंगे जो हमने नीचे की साइड बनाया है। इसमें सबसे पहले हम अपना एक फंदा इधर से उल्टा बनाएंगे, ये हमारी उल्टी साइड है, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। उल्टी साइड से हमारा ये इसी तरह से है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, और सीधी साइड से है एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए हमने अब 2 फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से हम 2 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा उल्टा बनाते हुए अपनी ये पूरी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेते हैं। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी निकाल ली है, और देखिए लास्ट में मेरे इधर की साइड ये 2 फंदे सीधे आए हैं, लास्ट में एक फंदा ये उल्टा, 2 फंदे सीधे। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं, और सीधी साइड से पहले 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपना ये मोड़ा बना लेंगे। मोड़े की लंबाई हम अपनी इस बॉर्डर को बनाते हुए बना लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना मोड्डा बना लिया है। इसमें हमने 8 सिलाइयाँ निकाली है मोड्डे को बनाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद इसमें हमने 2 उल्टे एक सीधे का इसमें पैटर्न बनाया है। अब हम अपने ये सारे फंदे बंद करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए पहला फंदा अपना ऐसे ही उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से हम ये पहला फंदा उतार देंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे, इसे भी इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा और बुनेंगे, इसे भी उतार देंगे। इसी तरीके से एक एक फंदा बुनते हुए पहला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए इस तरीके से। तो हम अपने ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं इसी तरीके से। एक एक फंदा बुना सीधा और पहला फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। तो हम इसी तरीके से अपने ये सारे फंदे बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। लास्ट का एक फंदा बचा है। धागा काट कर ये फंदा भी हम अपना इसके अंदर से निकाल देंगे ये धागा। और देखिए ये फंदा भी हमारा यहाँ पर बंद हो गया है। ये मोड्डा बनकर हमारा तैयार है। अब हम इसका दूसरी तरफ का मोड्डा भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना दूसरी तरफ का मोड्डा भी बना लिया है। हमारे दोनों मोड्डे बनकर तैयार हैं दोनों तरफ के। ये देखिए बिल्कुल सेम बनाए हमने। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए देखिए ये हमारा सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट को आपस में ऐसे हम मिलाएंगे। ये भी सीधा पार्ट है, ये भी सीधा पार्ट है। दोनों को ऐसे हम इधर से ऐसे पकड़ते हुए इधर से मुड्ढे पकड़ेंगे और नीचे की साइड से हम ये पहले हम अपना ये ग्रे धागे से सिलाई करेंगे यहाँ तक की, फिर ब्लैक धागे से, फिर मुड्ढे, फिर हम अपने ग्रे धागे से सिलाई करेंगे। तो दोनों तरफ से हम अपनी ये सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने स्वेटर की सिलाई कर दी है दोनों तरफ से, हमने इधर से भी और इधर से भी पूरी स्वेटर की हमने सिलाई कर दिया है और हमारा स्वेटर बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।